मंदिर के निर्माण के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि राम लल्ला की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। साक्षात जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा वहां पे नहीं लगा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम सभी को, रामायण के सभी किरदारों को, और मुझे लगता है ये वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे, और ऐसा प्यार हमें मिलता ही रहेगा। हमारे राम आए हैं, सॉन्ग आ रहा है, 22 को रिलीज होगा, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मेरी शुभकामना है। अभिषेक जी को बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे कम समय में हम सबको एज एक्टर्स इस सॉन्ग के लिए उन्होंने लॉक किया, एंड बहुत हंसी खुशी से हम लोग ने एक गाना किया। ये गाना हमने 2 दिन में शूट किया, रात को शायद 3 बजे हमने पैकअप किया। हम लोग हनुमानगढ़ी, लता मंगेशकर चौक, और पहले दिन तो हम गुप्तार घाट पे थे। बहुत अच्छे तरीके से लोकेशन उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, और ऑल्सो बहुत अच्छे एपिसोड्स उन्होंने लिए हैं। शबरी का लिया है, हनुमान जी का एंट्री ली है, तो बहुत सुंदर तरीके से पूरी रामायण वो दर्शा रहे हैं वो 1.5 मिनट के गाने में। सो वी आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ मैं एसोसिएट कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा गाना है, मेरे घर आए राम, ये है हमारे घर आए राम, लेकिन ये मेरे लिए ये तीसरा गाना है। और मेरे 2 गाने तो बहुत सुपरहिट हुए हैं, एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वाला गाना उसको भी सरपास कर जाएगा। बताइए क्या? प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हम 22 तारीख का दुनिया पर क्या असर पड़ने जा रहा है, आपको क्या अनुभव? प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर में हो रही है, और मेरे मेरा जो अपना ख्याल है वो ये है कि ये जो राम मंदिर है ये हमारा राष्ट्र मंदिर साबित होगा। पूरे विश्व में वो संस्कृति जो पीछे थोड़े कुछ वर्षों में थोड़ी धूमिल हो गई थी, वो फिर से एक संदेश जाएगा। पूरे जो हमारी विरासत है ये संस्कृति, ये पूरे विश्व को पता लगेगी। ये मंदिर हमारा प्रेरणा स्रोत होगा विश्व के लिए। हमारी अपनी आस्था का केंद्र तो है ही, हमारा ये गौरव होगा, हमारी पहचान बनेगी इससे विश्व में। और जो हमारे मॉरल्स हैं जो सभी को अपनाने चाहिए, वो इससे सबको मिलेंगे। आज इतने लोग जो हम लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो तो मंदिर में उस दिन दर्शन करना चाह ही रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। और वो पूरा विश्व उस दिन यहां आना चाहता है ये जानने के लिए कि ये जो हम सुन रहे हैं क्या ये संभव है ऐसा होना। आज जो ऊर्जा है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है हम सबके बीच में, वही शायद विश्व के और देशों को भी लुभा रही है यहां आने के लिए कि हम देखें। तो राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि काशी और मथुरा का भी विवाद इसी तरह सुलझे? या देखिए, वो विवाद जो है वो थोड़ा सा उसे हम बाद में बात करें। अगर आज जो आज आज जो यहाँ रेलेवेंसी है, नहीं, आज जो यहाँ वो उस हर चीज का एक अपना समय होता है, अपने समय पर वो होती है चीज जरूर। हम कर्म करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर समय हर चीज का आता है ना। तो आपने भगवान कृष्ण भगवान राम के पात्र को जिया है जी, और अब उसी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में आप शामिल होने जा रहे हैं, क्या आपने कोई सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? मंदिर बनेगा ये तो जरूर पता था, बिल्कुल विश्वास है ना, ये विश्वास था पूरा। प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से होगी, इतना बड़ा इवेंट होगा ये, इसका अंदाजा नहीं था। लेट मी टेल यू, क्योंकि मेरे अपने जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है। तो ये इस तरह से होगी, इतनी इतना ऊर्जा होगी इसमें, पूरा देश राममय हो जाएगा, पूरा विश्व जहां जहां भी राम को मानने वाले लोग हैं, इसकी कल्पना नहीं थी। इसलिए ये जो अनुभूति है ये बहुत सुखद अनुभूति है, बिल्कुल, कि हम एक ऐसे पल के साक्षी बनेंगे जिसके विषय में हमने सोचा नहीं था कि उसका उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, इतना बड़ा। सुनील जी, आपने तो भगवान राम के अनुचर किरदार निभाया था जी, और आप
उसी मंदिर में आप जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि इस किरदार को निभाने के बाद हम सिर्फ उस मंदिर में जहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही, जहां भगवान ने जन्म लिया था, वहां आप पदार्पण करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था इस तरह का, पर ये सौभाग्यशाली मैं आपको समझता हूँ कि इस तरह का मुझे प्राण प्रतिष्ठा में आने का मौका मिल रहा है, और बहुत कुछ जो मैं नहीं जानता था उसको जानने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। और जो मैं समझता हूँ कि ये प्राण प्रतिष्ठा है या जो माहौल बना हुआ है इस समय, बहुत धार्मिक है, बहुत सकारात्मक है, और ये विश्व को बहुत सकारात्मक भावना देगा, और डेफिनेटली वो सकारात्मकता जो है वो विश्व में उत्पन्न होगी, इससे इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें जो राम को नकारते आ रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? वो नादान है, बेवकूफ है, मैं ये कहूंगा। उन्हें असल में राम क्या है उसका नॉलेज नहीं है। देखिए, हर आदमी को जब तक वो डीपली पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, उसको समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जब हमें भी नहीं मालूम था बचपन में, हमने जो रामायण थोड़ी बहुत जानी थी, पढ़ी थी, उतना ही नॉलेज था, उस हिसाब से हमें ज्यादा नहीं था, तो इतना हमें लगता नहीं था कि राम क्या है, राम कितने डीप हैं। वो एक हर तरीके से परफेक्ट है। मर्यादा पुरुषोत्तम जब उनको एक उपाधि दी गई है, कहा जाता है उनको, तो इसका मतलब है कि हर तरीके की मर्यादाओं का वो को निभाते हैं, और रामायण हमें ये सिखाती भी है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, और ये शिक्षा उन्हें नहीं मालूम है, ये उसका नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बेवकूफी कर रहे हैं। अरुण जी, एक सवाल है कि जो रामायण आपने जो जिस पे किरदार निभाया था, जो रामायण बनी थी, उसके बाद बहुत सी रामायण बनी, लेकिन वो रामायण जो बनी वो आज तक जो ऐसी रामायण नहीं बनी, क्योंकि विश्वविख्यात रामायण बनी, क्या आपको लगता है कि ऐसी और भी रामायण बननी चाहिए उस तरीके की, जिसको कि लोग मतलब पूरा विश्व फिर से पसंद करे? जो अभी रामायण, जिस रामायण की आप बात करें, जो रामायण हमने की थी वो बहुत पसंद की गई, उसमें कोई कमी थी? नहीं। उस तरह की तो फिर आप क्यों चाहते? उस तरह की से मतलब नहीं है, ये एक चीज यहां रखी हुई है तो अपने आप में पूरी है ना, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी चीज तब लाई जाती है जब या तो उससे अच्छी बने या उससे कम बने, उसके बराबर की चीज तो दूसरी चीज का कोई अर्थ ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और बाकी तो भविष्य की बात पता नहीं, भाई राम जी क्या चाहेंगे, क्या उन्होंने सोचा होगा, क्या डेस्टिन्ड है, वो नहीं पता मुझे। पर जब एक रामायण है तो अभी तो दूसरी की आवश्यकता नहीं लगती मुझे कोई भी। नहीं, उसके बाद बहुत सी बनी है, तमाम रामायण आई, लेकिन उस तरह की बनी, आपको लगता है कि बननी चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न? मैं वही कह रहा हूँ, जब वो है ऑलरेडी तो दूसरी की आवश्यकता क्या है? जब वो अपने आप में कोई चीज पूरी है, संपूर्ण है, तो क्यों दूसरी बनाई जाए? और जिस दिन किसी को लगेगा तो वो बनाएगा, फिर से कोशिश करेगा कुछ। अब कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है वो तो राम जी जाने, वो व्यक्ति जाने। तरुण जी, इस समय देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स में भी भगवान श्री राम के प्रति धुन सुनने का जैसे पहले ट्रेंड होता था, आज का ट्रेंड लग रहा है, तो अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं फिर से रामायण काल को उन्होंने समझा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम अपनी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे थे, लेकिन अब वो माहौल फिर से बना है, तो अब वो ये जो माहौल बना है ये यहाँ इट्स कम हेयर टू स्टे, ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आज हमेशा ये होता है कि जो आगे जो झंडा लेकर चलते हैं, जो मशाल लेकर चलते हैं, वो यंग लोग होते हैं, और आज का जो यूथ है वो इस समय इतना उसका जो वो इतना रामायण के साथ जुड़ गया है, क्योंकि आज मैं देखता हूं कि जब भी मैं कहीं जाता हूं या मैं कहीं ट्रैवल करता हूं तो सबसे ज्यादा जो मिलने वाले लोग होते हैं वो यूथ होता है, तो अगर यूथ ने इस बात को समझ लिया है, यूथ अट्रैक्ट हो गया है उस तरफ, तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी।